हेलो गाइस, वेलकम टू रियल काफैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज का जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, इसको मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था शूट करने की, बट जैसे कि आपने देखा हमारे चैनल्स में अभी ऑटो एक्सपो के वीडियोस आ रहे थे, तो ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है। एक्चुअली मेरे को जो लास्ट वीडियोज़ थी जो पंच के रिगार्डिंग हमने डाली थी, इसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी आप सब लोगों की। तो आज मैं उन्हीं कमेंट्स उन्हीं क्वेरीज का आंसर देने के लिए आया हूँ। एंड आज के इस वीडियो में हम सारे कमेंट्स, जो भी आपकी क्वेरीज थी, उन सबका आंसर देंगे। एंड जो भी डाउट्स था उस चीज़ को लेके आज सारा हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने नोट किए थे, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे एक यूज़र ने मुझसे पूछा था कि पंच की माइलेज क्या है हिल्स में और पंच क्या माइलेज दे रही है हिल्स में। तो यार, सिंपल सा मैंने उसमें भी आंसर दिया था इस क्वेश्चन में, मैंने शायद उनको कमेंट में इसका रिप्लाई भी दिया है। बट अगर कोई और लोग जिनका ये सेम क्वेश्चंस हो, तो उनके लिए मैं आंसर बताना चाहता हूँ कि जो पंच है वो उसकी हिल्स में माइलेज, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, पंच में ये कार आपको इजीली 13-15 की माइलेज दे देगी। डिपेंड्स करता है कंडीशंस की, आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हो। तो उन चीज़ों को, अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है और आप डिसेंट तरीके से गाड़ी को ड्राइव करते हो, तो आप इसमें ईजिली 13-15 की माइलेज निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार इस कार के इंजन के बारे में बताइए कि क्या इसका इंजन अंडर पावर है या नहीं है। तो यार देखो, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस कार के साथ, और जैसा भी है, मैं कोई सेल्स पर्सन तो हूँ नहीं जो मुझे कार सेल करनी हो, तो मेरा जो प्योरली जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, यार इसका इंजन अंडर पावर है थोड़ा। बिकॉज अगर आप इसका बॉडी वेट रेशियो देखोगे तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, जिसके मुकाबले इसका इंजन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और कहीं ना कभी आपको फील होगा कि थोड़ा सा अंडर पावर है इंजन इसका। एक यूज़र ने मुझे एक कमेंट्स में बताया था कि उन्होंने इस कार को हिल्स पे भी ड्राइव किया और 5 लोगों के साथ ड्राइव किया है, और उन्होंने इससे 160 की स्पीड से वो लोग इसको ड्राइव किया उन्होंने। मैंने अंडर पावर इसको किस सेंस में कहा है? अंडर पावर मैंने इसको इस सेंस में कहा है कि जब कभी आप इसको इनिशियल पिकअप दोगे, तो आपको वो लैग फील होगा कि कार आपको वो इनिशियल पिकअप नहीं दे पा रही है। कभी भी किसी कार को हाईवेज़ में आपको ओवरटेक करना है, कहीं जाना है, तब आप उसको एक्सेलेरेट करोगे तो कार आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि इंजन थोड़ा सा अंडर पावर है। अगर आप एक जैसे बात वो कर रहे थे अपने कमेंट में कि मैंने 160 की स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ कार को, अगर आप एक कार चला रहे हो और आप उसको धीरे धीरे कार अपने आप पिकअप बना लेती है, उसके लिए मैं उसकी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा, बट हाँ इस चीज़ के लिए जो बता रहा हूँ, उस चीज़ के लिए ये इसमें अंडर पावर का इशू है। तो यार, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या सच में इस कार में फिट एंड फिनिश इशू है या नहीं है। तो यार, सिर्फ मैं पर्टिकुलर इस कार की बात नहीं करूँगा, मैंने टाटा की और कार्स भी देखी हैं। टाटा की कार्स में आपको फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा इशू मिलेगा, बट आई थिंक ओवर अ टाइम टाटा इस चीज़ को में काम करेगा, उस चीज़ को सही करेगा। बट अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा फिट एंड फिनिश का इशू भी टाटा की कार्स में देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है कई बार, कि यार इस कार की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है एंड सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा रहा है टाटा का। तो मैं इस कार की 2 सर्विसेज करा चुका हूँ, अभी इसकी 3rd मेजर सर्विस आने वाली है, तो कमिंग मंथ्स में वो भी हो जाएगी। बट बात रही सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस की, तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस मैं जैसे कंपेयर करूँ अपने पुराने जो मैंने कार्स यूज़ करी हैं उन ब्रांड्स से, अगर मैं कंपेयर करूँ टाटा का, तो ऐसा सच बोलूँगा इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बट इतना ख़राब भी नहीं है जितना हमें रीसेंट टाइम में कमेंट्स में देखने को मिलता था, या पहले जिस जो जितना पहले हम सुनते आते थे कि टाटा की सर्विस के बारे में। अब टाटा की सर्विस थोड़ी इंप्रूव हुई है पहले से, बट अभी भी थोड़ी उसमें गुंजाइश है कि इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ यूज़र्स का ये भी पूछना है कि हमारे लिए कौन सी कार या किस मॉडल पे हमें जाना चाहिए और कौन सा पंच का मॉडल हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ और मैं अभी फिर से आपको बताता हूँ कि अगर आप पंच का स्टार्टिंग मॉडल्स प्योर एडवेंचर की तरफ जाइए, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है रादर देन इसके अपर मॉडल की तरफ। बिकॉज इस प्राइस रेंज में मैं अभी भी मानता हूँ कि अभी तक की सबसे अच्छी कार है ये, और इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छी कार शायद इस समय ना मिले और दूसरी। तो अगर इसके आप लोअर सेगमेंट में जाते हो, स्टार्टिंग सेगमेंट में जाते हो, तो एक बहुत अच्छी कार है इसके लिए।
तो गाइज एक और क्वेश्चन है जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है काफ़ी टाइम से कि क्या ये कार न्यू बायर्स के लिए अच्छी है या नहीं। तो मैं कहूँगा यार अगर आप न्यू बायर्स हो और आप लेना चाहते हो इस कार को तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कार न्यू बायर्स के लिए सही नहीं है। ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो आई डोंट नो वो किस बेसिस पे बोल रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग न्यू बायर इसको ले सकता है इस कार को। ऐसा कोई इशू नहीं है इस कार में। बात की जाए यार हर कार हर यूज़र की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ टाटा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सेफ्टी है और आपको एक सेफ कार चाहिए और जिसमें थोड़ा बहुत लाइक डिसेंट इंजन परफॉर्मेंस हो और एक नॉर्मल आपको एवरेज भी निकाल के दे दे, तो आप इस कार की तरफ जा सकते हो। बट अगर हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन चाहिए, आपको चाहिए कि आप इंजन से आपको पावर चाहिए, आपको ज़्यादा पावर चाहिए इंजन से, तो उस केस में आप इसकी तरफ मत जाइए बिकॉज आपको वो पावर इसमें थोड़ा कम मिलेगी। सो ओके गाइज, फाइनली बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। तो गाइज जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे एक सेफेस्ट कार चाहिए थी, एक सेफ कार चाहिए थी। और बिकॉज मेरा इस कार को मैं मेनली हाईवे पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो हम इस कार को यूज़ करते हैं। सिटी पर्पज़ के लिए फॉर एवरेज के लिए मैंने एक दूसरी कार है मेरे पास जिसको मैं ड्राइव करता हूँ सिटी में, तो ये मेनली हम हाईवे में यूज़ करते हैं। और जिस पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए थी, मेरी रिक्वायरमेंट ये कार फुलफ़िल कर रही है, तो मैं इस कार से खुश हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको कार हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ करनी चाहिए। तो मैं इस कार से, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है और मेरे को इस कार से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और अगर आई होप मैंने आपको आपकी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, बट स्टिल फिर भी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।